बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बुखारी राइस। ये एक मिडल ईस्टर्न कुजीन है, तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक किलो चिकन है, आधा कप मैं ऑयल यूज़ करूंगी, दो कैरेट्स हैं जिनको मैंने लंबा काट लिया है, दो ऑनियन है जिनको मैंने स्लाइस कर लिया, दो कप मैंने वॉश करके तो उनको भिगो दिया है, आधा कप चने हैं, एक कप टमाटो पेस्ट है, थोड़े से बादाम है, थोड़े से रेजन्स हैं, और ये कुछ सीजनिंग है। एक टेबल स्पून नमक है, आधी टी स्पून काली मिर्च पाउडर है, जीरा पाउडर है 1 टी स्पून, और धनिया पाउडर है 1 टी स्पून, रेड मिर्ची पाउडर है 1 टी स्पून। ऑयल गर्म कर लिया है, इसमें मैं कैरेट्स फ्राई करूंगी, 2 मिनट इनको फ्राई करेंगे। और मैं इनमें अपने रेजन डालती हूँ, इनको भी 2 मिनट फ्राई करेंगे और फिर इनको निकाल लेंगे। इसी ऑयल में अपने बादाम फ्राई कर लूंगी 2 मिनट के लिए। मैंने चिकन ऐड कर लिया है इसी ऑयल में, और अब इसको 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये अपना कलर चेंज कर ले। मेरे चिकन ने कलर चेंज कर लिया है, तो अब मैं इसमें ऑनियन डालती हूँ। ऑनियन को भी हम 4-5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक ये कैरमलाइज हो जाए। अब हम इसमें अपने टमाटो पेस्ट डालेंगे और अपनी सीजनिंग डाल देंगे, इनको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं इसको कवर करके तो 10 से 15 मिनट के लिए पकाऊंगी, चिकन टेंडर हो जाए। 15 मिनट हो गए हैं और मेरा चिकन भी टेंडर हो गया है। अब इसमें राइस डालते हैं। अब चमचा नहीं चलाना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। 3 कप गर्म पानी डाल लेंगे। अब इसको कवर किए बगैर पकाएंगे, जब तक ये पानी तकरीबन हुशक हो जाए। मीडियम से हाई हीट पे इसको पकाएंगे। हमारा पानी तकरीबन हुशक हो गया है। अब मैं इसमें कैरेट्स और रेजन डाल रही हूँ ऊपर, और ये थोड़े से चिकपीज, आधा कप जो थे। इसको कवर करके तो लो हीट पे 20 से 30 मिनट सिमर करेंगे। ये हमारे चावलों का दम लग गया है। अब मैं ये थोड़े से निकाल लूंगी गार्निशिंग के लिए, और बाकी हम मिक्स कर देंगे। ये मेरे बुखारी राइस रेडी हैं, बहुत अच्छे बने हैं। आप भी बनाइएगा और भी बताइएगा आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह ताला आपको भी बहुत पसंद आएंगे। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।